तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है बंधुक जाति तथा वर्ग, का प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने तीसरे अध्याय का लेक्चर वीडियो समाप्त कर दिया था, इसलिए इस वीडियो में मैं आज प्रश्न उत्तर कराऊँगा, जिसमें लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आज कराऊंगा। यानी एक वीडियो में लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ तीनों को समाप्त आज मैं कर दूंगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, चलते हैं सर्वप्रथम लघु प्रश्न उत्तर पे। लघु प्रश्न में आपका पहला प्रश्न निकल कर के आता है, गोत्र क्या है? मैंने लेक्चर वीडियो में बताया था कि गोत्र हम किसे यानी कहते हैं, तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे डायरेक्टली हम आपको यही हम बता देते हैं। क्योंकि देखिए, गोत्र क्या है, लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और मैं आशा करता हूं कि आपको याद भी होगा, ठीक है? फिर भी मैं बता देता हूं कि आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है। गोत्र शब्द का अर्थ है कुल, वंश, परिवार अथवा खानदान, ठीक है? दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारियों को एक ही गोत्र माना जाता है, अतः वैदिक काल में एक ही गोत्र के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे, क्योंकि दोनों की धमनियों में एक ही पूर्वज का रक्त होता था, ठीक है? अर्थात मैंने देखिए लेक्चर वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि लड़का लड़की यदि एक ही गोत्र का है तो दोनों का शादी होगा, दोनों का शादी नहीं होगा। क्योंकि लड़का लड़की का शादी क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोत्र एक होने के कारण यह समझा जाता है कि लड़का लड़की क्या है, तो आपस में भाई बहन है, ठीक है? मैंने काफ़ी अच्छे से लेक्चर वीडियो में समझाया था, ठीक है? इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, अग्नि के हवन कुंड के सामने तन्मयता से बैठकर, यानी तन मन ढंग से बैठकर मंत्रोच्चारण करना तथा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्नि में आहुतियाँ डालना यज्ञ कहलाता है, ठीक है? अब इस प्रकार से देखिएगा कि आपको यज्ञ होता है, ठीक है, हवन कुंड, जिसमें व्यक्ति बैठ करके तन मन धन से बैठ करके, ठीक है, वो क्या करता है, मंत्र का उच्चारण करता है और आहुतियों को लेकर के इस अग्नि में जो है वो क्या करता है, डालता है। तो इसी को हम लोग यज्ञ कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वर्ण से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको ये भी बताया था, इसलिए डायरेक्टली हम उत्तर आपको बता देते हैं। कार्यों के आधार पर आर्यों ने समाज को जिन चार भागों में बांट दिया था उन्हें वर्ण कहते हैं। आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे, ठीक है? मैंने बताया था कि ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण जो है भगवान मान के चलिए जो विराट भगवान थे, अर्थात कौन, अर्थात आपका ब्रह्मा भगवान। आपको कहा गया था, तो क्या कहा गया था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ, ठीक है? उसके बाद आपका जो भुजा है, भुजा से आपका क्षत्रिय का हुआ और जांग से वैश्य का, और तथा पैर से कहाँ से हुआ था, तो शूद्र का हुआ था, ठीक है? मैंने आपको समझाया था लेक्चर की वीडियो में। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे, जो चौथा प्रश्न आपका निकल करके आता है, पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषता बतलाइए। मैंने इसको भी अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया था कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या है। मैंने बताया था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत पुरुष प्रधान होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, पितृवंशिक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है? इस परम्परा के अनुसार क्या, तो घर का मुखिया पुरुष होता है, सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति पुरुषों के पास होती है, पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का पुत्र का अधिकार होता है, ठीक है? पुत्र ना होने की स्थिति में भाई या बंधु को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्रियों को दी जा सकती है, ठीक है? ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से लेक्चर के वीडियो में समझाया था, इसलिए मैं ज़्यादा समझाना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अश्वमेघ क्या है, ठीक है? तो देखिए, अश्वमेघ जो है मुख्य रूप से, देखिए मुख्य रूप से एक यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े, ठीक है, एक घोड़ा जो होता था उसके सर पर जो है, यानी घोड़ा के माथे पर जयपत्र बांध दिया जाता था और उस घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, ठीक है? और कहा जाता था कि यदि यह घोड़ा लौट करके उस राज्य में आएगा तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ का राजा काफ़ी क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? यानी उस अच्छा है और उस राज्य का क्या होगा, तो वह राज विकास की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है? और यदि वह घोड़ा मान के चलिए
उस राज तक नहीं पहुंचेगा, यानी राजा के पास नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा माना जाता था कि वह राज जो है वह राज अब अपने पतन की ओर जाएगा या फिर विकास नहीं करेगा, ठीक है। और उस घोड़ा को यदि कोई पकड़ लेता था, मान के चले कि कोई राजा इसको पकड़ लिया या कोई व्यक्ति पकड़ लिया, तो जो व्यक्ति पकड़ता था और जो व्यक्ति यज्ञ किया था, यानी कि जिस यज्ञ किया था, अब उसके साथ क्या करना पड़ेगा, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, अश्वमेघ प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष का नाम था जिसमें घोड़े के माथे पर एक जय पत्र बांधा जाता था, उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। घोड़े का अपने यहाँ दौड़कर वापस आने का अर्थ था कि राजा निर्विरोध शासन स्थापित होना, ठीक है, यानी राजा का निर्विरोध शासन स्थापित होना। और यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे घोड़े के स्वामी यानी राजा से क्या करना पड़ता था, तो युद्ध करना पड़ता था। अब जैसे देखिएगा रामायण में अश्वमेघ का घोड़ा राम भगवान छोड़े थे, ठीक है, तो कौन पकड़ लिया था, तो आपका उनका पुत्र लव कुश पकड़ लिया था। तो देखिए उस समय तो जानते नहीं थे कि उनका वो पुत्र है, लेकिन फिर भी हालांकि लव और कुश काफ़ी छोटा था, फिर भी देखिएगा चूँकि लव कुश ने अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा था, इसलिए वो भगवान लक्ष्मण के साथ राम के साथ युद्ध किए थे कि नहीं किए थे, बिल्कुल युद्ध नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना, वर्ण व्यवस्था भी मैंने आपको समझाया था अच्छे से। तो प्राचीन भारत में वर्ण को चार भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मणों का स्थान सर्वप्रथम था, यानी सबसे पहले था, इनका काम था पूजा पाठ कराना, ठीक है। क्षत्रिय का स्थान दूसरा था, इनका काम राज्य की देखभाल करना एवं युद्ध लड़ना था। वैश्य का स्थान तीसरा था और इनका काम व्यवसाय या व्यापार करना था, जबकि शूद्र को सबसे नीचा रखा गया था और इनका काम था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना। समाज में इनकी स्थिति बहुत दयनीय और निम्न थी, ठीक है, मैंने ये भी आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट हम आते हैं, सातवां उपनयन से आप क्या समझते हैं या उपनयन से क्या तात्पर्य है। प्राचीन काल में उपनयन जनेऊ धारण करने का एक संस्कार होता था जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य धारण कर सकते थे। शूद्र को उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि जो शूद्र जो था वो उपनयन यानी कि जनेऊ धारण नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि घटोत्कच कौन था, तो मैंने बताया था कि घटोत्कच कौन था, तो घटोत्कच आपका भीम और हिडिम्बा का पुत्र था, यानी कि भीम ने हिडिम्बा से शादी किया था, हिडिम्बा जो कि एक राक्षसी थी, तो हिडिम्बा का संतान हुआ, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो घटोत्कच था, ठीक है। तो घटोत्कच कौन था, तो भीम का पुत्र था, ठीक है। तो उत्तर देखिए, घटोत्कच दूसरे पांडव यानी भीम और एक राक्षसी महिला हिडिम्बा की संतान था। हिडिम्बा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी, वह भीम के प्रति आसक्त हो गई। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि वह भी उससे विवाह यानी भीम से शादी करना चाहती है और उसने वादा किया कि वह स्वेच्छा से पांडवों को छोड़ के चली जाएगी, यानी कि जब वह भीम से शादी कर लेगी तो वह स्वेच्छा से छोड़ करके सभी पांडवों को छोड़ के चली जाएगी। घटोत्कच की माँ बनने के बाद हिडिम्बा ने पुत्र सहित अपने वादे के अनुसार पांडवों को छोड़कर यह छोड़ दिया, ठीक है। जब घटोत्कच जो है आपको जा रहा था, तो देखिए घटोत्कच ने अपने पिता भीम तथा अन्य पांडवों को यह बतलाया कि वह जब भी उसे बुलाएगा तो वह उनके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ डबल आ गया, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न है, महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी ने लिखे, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत में हमें तत्युगीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की एक संपूर्ण झांकी प्राप्त होती है। इसमें आदर्श जीवन जीने के नियमों का संग्रह है। श्री भगवद गीता महाभारत का एक सर्वाधिक शिक्षा प्रदत्त भाग है। मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान इसमें निहित है। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का भंडार है। यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत में 18 पर्व है तथा इसमें 100,000 से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में वर्णित कई स्थल अभी भी मौजूद है, ठीक है। यदि इसको देखिए, इसको आप दीर्घ में भी लिख सकते हैं, यदि दीर्घ में भी आएगा तो इतना लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है।
तो लघु प्यारे बच्चों आपका समाप्तन हो गया है। मैंने आपको अच्छे से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि इन सभी को मैंने लेक्चर की वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है। तो यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप जाइए लेक्चर के वीडियो देखिए, फिर आप इसे पढ़ करके ही समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दीर्घ उत्तर प्रश्न। प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तर प्रश्न में मैंने मात्र एक ही प्रश्न आपको कराया है, इसका कारण यह है, इसका कारण देखिए, एक प्रश्न देने का पहला कारण यह है कि इस अध्याय से दीर्घ नहीं के बराबर पूछा जाता है, पहला। दूसरा, अब देखिए आपका अगस्त का महीना चल रहा है, समय भी कम है, इसलिए जो हम आपको तीन लिखाने वाले थे लेकिन जो दो लिखा थे वो इस बार आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों को छोड़ दिया, इसलिए मैंने सिर्फ आपको दीर्घ में एक ही प्रश्न दिया है, ठीक है, क्योंकि समय कम है। पहला बात, समय कम है, अगस्त आपका चल रहा है, ठीक है, इसलिए। अब यदि दूसरा दीर्घ यदि बनेगा भी तो वह ये वाला बनेगा, नम्मा माँ बाप संक्षिप्त टिप्पणी लेके, तो इतना आपका काफ़ी है, तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, इसको हम कॉमन करके दिए, कॉमन करके दिए हैं, माँ बाप संक्षिप्त में टिप्पणी लेके। लघु में पूछेगा फिर भी इतना लिखिएगा, दीर्घ में पूछेगा फिर भी इतना लिख दीजिएगा, कॉमन करके हम बना दिए, ठीक है, इसलिए हम दीर्घ पर आते हैं। दीर्घ का आपका पहला प्रश्न है, महाभारत कालीन मनु स्मृति एवं भीष्म द्वारा वर्णित आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए विवाह का एक से लेकर के आठ तक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था लेक्चर के वीडियो में, बहुत अच्छे से, ठीक है, फिर भी हम आपको रीडिंग मार करके छोड़ हम देते हैं क्योंकि दोबारा समझाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए महाभारत कालीन मनु स्मृति एवं भीष्म द्वारा वर्णित आठ प्रकार के विवाह कुछ इस प्रकार है। पहला, ब्रह्मा विवाह, मैंने बताया था कि ब्रह्मा विवाह हम उसे कहेंगे जब मतलब कि अरेंज मैरिज, ठीक है, मैंने बताया था आपको लेक्चर के अन्य वीडियो में। तो देखिए दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्मा विवाह कहलाता है। आज भी यही विवाह प्रचलित है जिसे हम लोग अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। देव विवाह, किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल के रूप में अपने कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ष विवाह, वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे कराता था जिसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह, कन्या के सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग यानी अपने से अमीर वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसे मैंने लेक्चर के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं रीडिंग मार के बस जा रहा हूँ, ठीक है। पांचवा है गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या, ठीक है, बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। जैसे कि जो आजकल लव मैरिज सबको शादी करता है, ठीक है, मंदिर में जा करके खुद से। नेक्स्ट है असुर विवाह, कन्या को खरीद करके विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है पिशाच विवाह, कन्या की मदहोशी अर्थात जब वो सोई रहे, अचेत रहे, पागल रहे, मदमस्त रहे, उसका लाभ उठा करके उससे शारीरिक संबंध बना लेना और शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर शादी करना आपको पिशाच विवाह कहलाता है, ठीक है, या पिशाच विवाह कहलाता है। तो दीर्घ आपको समाप्त हो गया, एक दीर्घ आपका यह हो गया, एक दीर्घ आपका ये वाला हो गया, ठीक है, तो दो दीर्घ आपका यहाँ हो गया। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो देखिए महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा आठ प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो उत्तर हो जाएगा 102वें, ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला, उत्तर हो जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा भीष्म। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उत्तर हो जाएगा शांति पर्व, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्योधन की माँ कौन थी, तो उत्तर हो जाएगा गंधारी। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, उत्तर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की, तो उत्तर हो जाएगा वेदव्यास। नेक्स्ट है भीम की पत्नी थी, तो उत्तर हो जाएगा हिडिम्बा जो कि राक्षसी थी, ठीक है। मनु स्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनु खुद थे। नेक्स्ट है कर्ण की माँ कौन थी, तो उत्तर हो जाएगा कुंती। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, उत्तर हो जाएगा पांडव। नेक्स्ट है अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो उत्तर हो जाएगा अर्जुन। नेक्स्ट है अर्जुन किसके शिष्य थे, तो उत्तर हो जाएगा द्रोणाचार्य, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो तीसरा अध्याय आपका समाप्त हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।